हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन दिस साइड, वन ऑफ द बेस्ट पीटीई ट्यूटर। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट रिपीट सेंटेंस, द सेकंड टास्क ऑफ स्पीकिंग सेक्शन। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क इन द होल पीटीई एंड द मेन पीटीई सेक्शन। सबसे ज्यादा वेटेज रहती है रिपीट सेंटेंस की। इट कंटेन्स 52 मार्क्स, जिसमें से आपको 32 मार्क्स स्पीकिंग में मिलते हैं। रेस्ट ऑफ द जो मार्क्स हैं हमारे 90-20, वो आपको लिसनिंग में जाते हैं। सो रिपीट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, स्पीकिंग का सेकंड टास्क है। रिपीट सेंटेंस में मैं आपको जनरली बता देता हूँ करना क्या होता है और किस तरीके से करना होता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि किस टिप्स एंड ट्रिक्स से हम सारा कंटेंट को उठा सकते हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, मैं हाफ याद कर लेता हूँ बट मैं पूरा याद नहीं कर पा रहा, मैं याद कर ले रहा हूँ बट मैं बोल नहीं पा रहा, बोल लेता हूँ बट बीच में स्टक हो रहा हूँ, एक फ्लुएंसी नहीं मेंटेन हो रही है मेरे से। सो आज सभी के डाउट्स क्लियर करने जा रहे हैं हम, बने रहिए वीडियो के अंत तक। सो आई एम डूइंग दिस रिपीट सेंटेंस। फर्स्ट यू हैव टू लुक एट मी हाउ आई एम डूइंग दिस। मैं आपको 5-6 लगातार रिपीट सेंटेंस करके दिखाता हूँ कैसे कैसे करना है। जस्ट एक हिंट ही मिलेगी आपको कि कैसे कैसे करना है। एंड दिस इज एप्यूनी, मैं आपको एप्यूनी पे करके दिखाता हूँ। आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, ऑल वेबसाइट्स आर गुड, बट अंडर गाइडेंस अगर आप प्रैक्टिस करते हो, एग्जाम देते हो, देन डेफिनेटली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर स्कोर आएगा ही। सो आई एम स्टार्टिंग द रिपीट सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एक अनप्रैक्टिस खोल लेते हैं। स्टूडेंट यस स्टार्ट। द स्लिम बुकलेट्स डिस्क्राइब अ रेंज ऑफ सर्विसेज एंड फैसिलिटीज। द स्लिम बुकलेट्स डिस्क्राइब द रेंज ऑफ फैसिलिटीज, इट इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं फंबल कर गया था, बीच में रुक गया था, ऐसे ही बच्चे गलतियां करते हैं मोस्टली। सो मैं एक बार स्कोर चेक कर लेता हूँ मेरा कैसे है। जैसे कि मैं स्लिम बुकलेट्स, मैंने ऐसे में बीच में फंबल किया था, इस तरीके से फंबल नहीं करना है। आई गॉट ओनली 57 बुकलेट एंड 6 बैंड, 58 में हमारे 6.5 बैंड बनते हैं। सो नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट वन। The value of regular exercise should not be underestimated by anyone. The value of exercise should not be underestimated. It is important. So, आपको हिंट पता लगी गई होगी। जैसे ही मैं कंटेंट को बोल रहा हूँ, जिस तरीके से कंटेंट को बोल रहा हूँ, मैं उसमें से एक लाइन ऐड कर रहा हूँ। The value of वो है it is important. It is important मेरी एक्स्ट्रा लाइन है, वो तभी आप वर्क करेगी जब आपके पहले वाले का value of अच्छे हैं। I got 69 in it. Pronunciation 66, 71 content, per fluency 72 out of 90. So, आपको क्या करना है? Content तो important है, but pronunciation main task है. Pronunciation से हमारे marks आएंगे इसके अंदर. Okay, next one. The picture shows 6 of the 9 planets in the solar system. The picture shows 6 of the 9 planets in the solar system. अब मैंने इसमें it is important नहीं बोला है. अब इसके बाद लास्ट बताता हूँ, फिर टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ किस तरीके से करना होता है। मैक्सिमम आपने देखा होगा मैंने पूरा कंटेंट ही बोला इसके अंदर। द पिक्चर शो आई गॉट 76, इट हैज अ 7.5 बैंड, सॉरी। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट रिपीट सेंटेंस है। अभी तक मैंने 3-4 किए हैं, स्कोर भी आप देख रहे हो। ये एक्चुअल स्कोर नहीं है, रियल एग्जाम स्कोर नहीं है, इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कोरिंग। अगर आप सेम परफॉर्मेंस रियल एग्जाम में देते हो, डेफिनेटली आपके इससे ज्यादा मार्क्स ही आएंगे। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट वन। यस स्टार्ट। ही वाज एट द क्लिनिक रिकवरिंग फ्रॉम एन ऑपरेशन ऑन हिज आर्म। ही हैज अ क्लिनिक ऑपरेशनल इंजरी, इट इज इंपॉर्टेंट काम। यस, आपने देखा होगा स्पीकर ने भी बोला है, मैंने भी बोला है। ही हैज अ क्लिनिक, लेट्स चेक। ही हैज, आई गॉट 52, मेरा लास्ट स्कोर 57 था, 57 से भी कम मेरा 52 आया, बट मैं बोलने के बावजूद भी मार्क्स ले रहा हूँ। अब बोलना किस तरीके से है मैटर, वो करता है कि आप कैसे बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को कंटेंट समझ आ जाता है बट वो बोल नहीं पाते। कईयों को मेमोराइज की प्रॉब्लम होती है कि उनको याद हो जाता है बट वो बोलते बोलते स्टक हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको शुरू शुरू में जो बिगनर है, पीटी कर रहे हैं बच्चे, स्टार्टिंग में आपने पूरा कंटेंट लर्न नहीं करना है, आप सिर्फ 4 या 5 वर्ड्स लर्न कीजिए, देन उसको बोलिए। अब बोलना कैसे है, जो बिगिनर बच्चे हैं जो स्टक कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं पीटी के अंदर, नेक्स्ट करके दिखा रहा हूँ उनके लिए। ये नेक्स्ट वन है, चेक इट कैसे करना है।
I was inspired by the prospect of the new job ahead. I am inspired of the prospect new job ahead. It is important. Yes. ये बहुत ही छोटा sentence था. मैंने just forward बोले हैं. आगे it is important लगाया है. But मैं रुका नहीं हूँ. बीच में आप मेरे को देख रहे होंगे. मेरी आपको main feature पता लग गया होगा. I got six job band. I जो बच्चे हैं plus two कर रहे हैं. उनको maximum six each की requirement होती है. So six each आपके मैं इसके अंदर आपके मेरे मार्क्स देख ही लिए होंगे. सो अब इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स क्या आप किस तरीके से इसको इंप्रूव कर सकते हो, कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक वेबसाइट बताने जा रहा हूँ जहाँ से रियल एग्जाम के अंदर मोस्टली जो एग्जामिनर है वो कंटेंट उठाते हैं. वो हम मैं उनका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सेंड कर दूंगा. आपने वो जरूर जरूर देखना है. सो जो बिगनर बच्चे हैं शुरू शुरू में आपने क्या करना है, आपने हाफ सेंटेंस उठाना है, पूरा सेंटेंस नहीं याद करना है. अंडरस्टैंड. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपका स्कोर आता रहेगा. आपको खुद पता लगेगा भी हाँ मैं स्टक नहीं कर रहा हूँ. स्टक नहीं करना है, एक फ्लो के अंदर बोलना है. जो बच्चे क्या करते हैं बीच बीच में रुक के बोलते हैं द वेरी बेसिक फीचर इट अबाउट इट, ऐसे नहीं बोलना है. इसको फ्लो के अंदर बोलना है. द वेरी बेसिक फीचर ऑफ कंप्यूटिंग इज काउंटिंग एंड कैलकुलेटिंग, ऐसे बोलना है. अगर आपको मान लो अगर हाफ याद हुआ है तो हाफ कैसे आपने बोलना है. द वेरी बेसिक फीचर ऑफ कंप्यूटिंग इट इज इम्पोर्टेंट, ऐसे. अंडरस्टैंड. एक लास्ट और करेंगे. लेट्स चेक. They still haven't had any news about when they'll be able to go home. They still have not able to get the news. It is important home. Yes. मैं it is important को इसलिए preference देता हूँ. It is important इतना आसान word है. But ये तभी work करेगा अगर आपका 50% content आप बोल रहे हो. Then आपके 55 से number कम नहीं आएंगे. I got 43 in it. Understand? This is not a real exam scoring. आप घर पे बैठ के अपने आप को जज ना कीजिए कि मेरा ये स्कोर आ रहा है तो रियल एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा. एक्चुअल में जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बच्चे पेपर देते हैं उसमें वाकई में पेपर बहुत इजी आता है. अंडरस्टैंड. तो करना क्या होता है आपको, मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जहां से आपको डेली के डेली आपको वो सुनने हैं. एक साइंटिफिक अमेरिकन वेबसाइट है, ये देखो साइंटिफिक अमेरिकन. यस, ये वाली ये वेबसाइट है. यहाँ से एग्जामिनर 99% तक कंटेंट उठाता है हमारा. रिटेल लेक्चर लगा लो, समराइज स्पोकन लगा लो, जो लिसनिंग के पार्ट है, जो लिसनिंग में स्कोरिंग देता है रिटेल लेक्चर और रिपीट सेंटेंस. जो डिक्टेशन है वो टोटली एप्यूनी से आती है रियल एग्जाम के अंदर. सो आपको करना क्या है, ये पॉडकास्ट डेली जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं रिपीट सेंटेंस के अंदर, डेली आप ये वीडियो ऑडियो है आपको डेली के डेली सुननी है. ये कंटेंट है, यहाँ से आपका कंटेंट और प्रोनंसिएशन इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा हैं. अंडरस्टैंड. इस वीडियो का लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो में शेयर कर दूंगा, आपने देख लेना है. और जो बच्चे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं जिनका नहीं हो पा रहा कि सर अभी भी नहीं पता मैंने किस तरीके से बोलना है, क्या स्पीड के अंदर बोलना है मेरे को, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, स्पीकिंग इज द बैकबोन ऑफ पीटी. अगर आपका स्पीकिंग में स्कोर नहीं आ रहा इट मीन्स आपके बहुत कम चांसेस है रियल एग्जाम में ओवरऑल स्कोर आने के. अंडरस्टैंड. सो जिस भी बच्चे को क्वेरी है पीटी के रिगार्डिंग कि सर मैं बहुत बार एग्जाम दे चुका हूँ, मेरी स्पीड नहीं बन रही, मेरी प्रोनंसिएशन एरर है, मेरे एपयूनी पे मार्क्स नहीं आते, सर आपके तो मार्क्स आते हैं मेरे क्यों नहीं दे रहा, मैं तो फिर भी क्लियर बोल रहा हूँ, मैंने अपना 100% दे दिया फिर भी मेरे को पता नहीं लग रहा. दिस इज अ सॉफ्टवेयर गेम. आप घर पे बैठ के अपने आप को जज ना करिए कि मेरे वहाँ पे 70 आ जाएंगे 80 आ जाएंगे. अंडरस्टैंड. सो अगर किसी बच्चे को डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं आपको शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक. आपको जरूर ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने बताई है ये जरूर आपने फॉलो करनी है हमारी. ओके ओके. थैंक यू सो मच. बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक.